हे गाइस, वेलकम टू सरूज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी झंझट के झटपट बनने वाली बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट्स के आइडियाज़। आप इनको इस तरह से रैप करके फ्रेंडशिप डे पे अपने फ्रेंड्स को सिंगल भी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर 3-4 का बंच बना के दे सकते हैं, या फिर इस तरह से बड़ा सा हैम्पर बना के भी दे सकते हैं। घर में चॉकलेट बनाने से मार्केट से सस्ती तो पड़ती ही है, साथ में गिफ्ट देते वक्त जो इसमें आपकी मेहनत और प्यार दिखाई देता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ मैंने वाइट कंपाउंड और पाइनएप्पल कंपाउंड चॉकलेट्स ली है। आप इसकी जगह कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर्ड नॉन फ्लेवर्ड चॉकलेट, या फिर मार्केट से डेयरी मिल्क वगैरह जो भी चॉकलेट अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मैंने इनको माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड्स के इंटरवल पे मेल्ट किया है। 10 सेकंड्स रखा, फिर मिक्स किया, फिर 10 सेकंड्स रखा। एक बार में 10 सेकंड से ज़्यादा फ्लेवर्ड और वाइट चॉकलेट को नहीं रखना है, या फिर आप डबल बॉयलर से इसको मेल्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ ओरियो कुकीज़ और मार्शमेलोज लिए हैं। मार्शमेलो थोड़े बड़े हैं तो मैं इनके 2-2 पीसेस कर रही हूँ। और अभी हम इनके पॉप्स बनाएंगे। पॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ बारबेक्यू स्टिक्स ली हैं, स्मॉल वाली। आप बारबेक्यू स्टिक्स की जगह पॉप स्टिक्स ले सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं, और इस तरह से मेल्टेड चॉकलेट में इसको डिप करके आप कुकीज़ में और मार्शमेलोज में इंसर्ट कर देंगे, ये फिक्स हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस से हम जैसे कुकीज़ को हमने रेडी किया है, उसी तरह से हम मार्शमेलोज़ को भी रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद हमें इनको 5-6 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखना है। तो ये 5-6 मिनट्स बाद ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको मेल्टेड चॉकलेट में इस तरह से डिप करेंगे, थोड़ा टाइम होल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रॉप होने देंगे। और अब इनके ऊपर अपनी चॉइस के कोई भी स्प्रिंकल्स लगा के इसको इस तरह की फ्लोरल फॉर्म में फिक्स कर देंगे। अगर आपके पास फ्लोरल फॉर्म ना हो तो आप एक किसी प्लेट या ट्रे में एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर लगा के उस पर भी इनको रख सकते हैं। मैं इनको हाफ़ पे लगा रही हूँ, आप फुल पे भी लगा सकते हैं। हाफ पोर्शन पे लगा के मैंने इनको गार्निश किया है। आप पूरा डिप कीजिए, हाफ कीजिए, वो आपकी चॉइस है। अब सेम प्रोसेस से हम ओरियो कुकीज़ को भी इसमें चॉकलेट में कवर कर लेंगे। हमें चॉकलेट में कवर करने के बाद उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना है। एक तो एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल जाएगी, दूसरा चॉकलेट उस पर सेट हो जाएगी। अगर हम इसी टाइम इसको फ्लोरल फॉर्म में लगा देंगे तो चॉकलेट थोड़ी सी नीचे स्टिक पे आ सकती है, तो थोड़ा टाइम उसको होल्ड करके रखना है, उसके बाद स्टिक फ्लोरल फॉर्म पर इसको लगाना है। और एक चीज़ मैं और इसीलिए ये दिखा रही हूँ कि ऐसे अगर कभी निकल जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये चॉकलेट जो है ये हमारे पास ग्लू है, इसको लगा के इसको फिक्स कर देंगे और 3-4 मिनट बाद इसको फिर से यूज़ कर लेंगे, ये फिक्स हो जाएगा। ये एक लास्ट वाले पे मैं हाफ पोर्शन पे लगा के दिखा रही हूँ चॉकलेट, ये हाफ पे लगाने से भी अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। और अभी इनको हमें 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो ये हमारे 15 मिनट्स बाद पॉप्स रेडी हैं। 2 मैंने प्लेन बनाए थे जिन पे मैंने स्प्रिंकल्स नहीं लगाए थे, तो इनके लिए एक अलग आइडिया दिखा रही हूँ कि कोई भी दूसरे कलर की चॉकलेट लेके उसे पाइपिंग बैग में डाल के एक कोन बना लेंगे।
छोटा सा कट लगा के इसको चेक करके इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे। आप इसको सिर्फ चॉकलेट से गार्निश करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन पे हल्के से स्प्रिंकल्स और लगा रही हूँ, मुझे इस तरह से अच्छा लग रहा है। तो सेम तरीके से हम दूसरा पॉप भी रेडी कर लेंगे और इसको बाहर ही 2-3 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। अभी जो हमारे पास लेफ्ट ओवर चॉकलेट है उसका यूज़ मैं बताती हूँ। वैसे ये अपने आप में बहुत ही यूनिक रेसिपी है, डिलीशियस है। ये है चॉकलेट बार्क। तो इसके लिए कोई भी चॉकलेट जो आपके पास बच गई हो उसको किसी फ्लैट ट्रे या प्लेट किसी में भी बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल लगा के उसके अंदर डाल देंगे और उसके ऊपर किसी दूसरे कलर की चॉकलेट डाल के इस तरह से जिगजैग उसको चला देंगे। और मेरे पास ये ऑरेंज चॉकलेट भी सिर्फ 2 टीस्पून पड़ी हुई थी तो मैं इसको भी डाल रही हूँ इस पे। और अब हम इस पे मार्बल इफेक्ट देंगे। ये वही बारबेक्यू स्टिक है, इसकी मोटी वाली साइड से इस तरह से उस पे घुमा देंगे। अब आप इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और गार्निश कर रही हूँ। ये थोड़े से मैं स्प्रिंकल्स लगा रही हूँ, थोड़े से ये मिक्स्ड ड्राइड फ्रूट्स हैं। अभी इसको टैप करके 5 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और ये हमारे पॉप्स भी रेडी हो गए हैं। तो इसको निकाल लेते हैं और ये जो हमने कोन से गार्निश किए थे वो हैं, और हमारी चॉकलेट बार्क भी रेडी है। इसको बटर पेपर निकाल के इसके साइड्स पे जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे कट कर लेंगे और इसके आप अपनी चॉइस से जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से पीसेस कट कर सकते हैं। मुझे तो ट्रायंगल पसंद है तो इसलिए मैं इसके ट्रायंगल पीसेस बना रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको रैप कैसे करना है। ये ट्रांसपेरेंट रैपिंग शीट है जो कि आपको स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगी या फिर आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। मैंने इनको पीसीज में कट कर लिया है। और ये हैं ट्विस्टर जो कि पोटली वाली चॉकलेट को टाई करने के लिए यूज़ होते हैं। आप ट्विस्टर की जगह रिबन या कोई भी डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हम बनाने लगते हैं तो अनलिमिटेड आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, तो आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, हो सकता है आपको इससे बेटर आइडियाज़ आएँ। तो मेरे साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये जो ट्विस्टर है ये काफ़ी सॉफ्ट वायर होती है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि किसी को हर्ट ना कर सके। ये इस तरह के बो आपको इजीली स्टेशनरी शॉप या ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर एक बो भी लगा सकते हैं या फिर आप रिबन से एक फ्लावर बना के लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम ओरियो पॉप भी रेडी कर लेंगे और आप इनको सिंगल भी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, इनको रैप करके बंच बना के दे सकते हैं या फिर गिफ्ट हैम्पर, तो खैर अच्छा लगता ही है। और ये राखी के लिए भी बेस्ट आइडिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।